हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपरफाइन टेक्निकल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे आधार कार्ड से कितनी सिम चालू हैं, यानी हमारी आईडी से कितनी सिम चल रही हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज में चले जाना है। तो चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें सर्च बॉक्स में सर्च करना है टैप कॉफ पोर्टल। तो सही सर्च कर लेते हैं टैप कॉफ पोर्टल। हमें इसके बाद पहली साइट पर जाना है और हमें यहाँ पर आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना। तो चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मैंने मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, उसका रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें एक ओटीपी मिलेगा, हमें ये ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद वैलिड डेट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये नंबर्स आ गया। आप ये नंबर्स चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने नंबर्स चल रहे हैं, यानी मतलब आपको इस नंबर जो आपका नंबर है वो आधार कार्ड पर लगा हुआ है, इसी नंबर के माध्यम से और भी नंबर जो आपके आधार कार्ड पर चल रहे हैं वो दिखाई देंगे। मैंने पहले लॉगिन किया था तो मैंने ब्लॉक कर दिए थे, आप उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से ट्रैक करके, और दिस इज़ नॉट माई या रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको नंबर हटा दिए जाएंगे। जैसे मेरे हटा दिए, मेरा सिर्फ एक नंबर बचा है जो इस समय शो हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने नंबर की जानकारी देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।